कैसे आप सब? आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और भाई, काम करके तो हालत ऐसे सड़ जाती है बहुत ज़्यादा। सफाई करिए। और मैं तो ये चीज़ ना ऐसे दुख रही है बहुत गंदी तरीके से। मैंने सर भी नहीं धुला, सेट फ्राइडे को धुलूंगी। ठंड लग रही है बहुत तेज मुझे तो। कल ही है, कल फ्राइडे है तो कल धुलूंगी, अब नहीं। और वैसे मैं नहा ली हूँ, नहा के टी शर्ट डाल ली मैंने ऐसी, क्योंकि मार्केट जाऊँगी तो चेंज करूँगी मार्केट जाने के टाइम पर। अभी तो नहीं, ऊपर ही हूँ तो इसलिए चेंज नहीं किया मैं, कि बाद में चेंज कर लूँगी। और रात के हमारी सब्जी बच गई थी तो मैंने चावल बना लिए जीरे वाले, क्योंकि अच्छे लगते हैं। सब्जी अच्छी हो रही थी तो हमने जीरे वाले चावल बना के, और भाभी ने थोड़ी सी पूरी और उतार ली। वो भाभी बोलती थी कोई नहीं नीचे उतार लेते पूरी, तो पूरी उतार के थोड़ी सी रखी और फिर बच्चे भी खा लेंगे। और देखिए मेरे होठ का कैसे हो गया, देखिए ये पता नहीं क्या हो गया मेरे होठ पे, ये देखिए। और अब शादी में जाना है तो होठ ऐसा हो गया, गंदा लगेगा वैसे में वो हो जाए जल्दी से सही हो। और हम लोग शायद 4 या 5-6 में हम लोग चले जाएंगे, मैं मम्मी भाभी बच्चे नहीं जाएंगे, बच्चे का स्कूल है तो बच्चे नहीं जाएंगे, वो यहीं रहेंगे, हम लोग ही जाएंगे सिर्फ, क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं। मैं तो बोल रही थी, मम्मी बोल रही है एक बार को कि बच्चे फिर अकेले कैसे रहेंगे। 1% मम्मी रुक भी सकती है और नहीं भी रुक सकती, कुछ नहीं पता। बच्चे स्कूल गए हुए हैं आज तो, क्योंकि उनके एग्जाम भी आ रहे हैं, टेस्ट चल रहे हैं, तो फाइनल पेपर हैं, तो इसलिए थोड़ा सा। और अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इनके स्कूल में, अटेंडेंस 80% तो होनी ही चाहिए। और अभी जागरण वगैरह में चले गए थे, वैसे तो इनकी बहुत कम हो गई, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। बट देखते हैं, कुछ हो सकता है तो करेंगे, अदरवाइज तो कुछ नहीं है। कैसे आप सब? आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और भाई, काम करके तो हालत ऐसे सड़ जाती है बहुत ज़्यादा। सफाई करिए। और मैं तो ये चीज़ ना ऐसे दुख रही है बहुत गंदी तरीके से। मैंने सर भी नहीं धुला, सेट फ्राइडे को धुलूंगी। ठंड लग रही है बहुत तेज मुझे तो। कल ही है, कल फ्राइडे है तो कल धुलूंगी, अब नहीं। और वैसे मैं नहा ली हूँ, नहा के टी शर्ट डाल ली मैंने ऐसी, क्योंकि मार्केट जाऊँगी तो चेंज करूँगी मार्केट जाने के टाइम पर। अभी तो नहीं, ऊपर ही हूँ तो इसलिए चेंज नहीं किया मैं, कि बाद में चेंज कर लूँगी। और रात की हमारी सब्जी बच गई थी तो मैंने चावल बना लिए जीरे वाले, क्योंकि अच्छे लगते हैं। सब्जी अच्छी हो रही थी तो हमने जीरे वाले चावल बना के, और भाभी ने थोड़ी सी पूरी और उतार ली। वो भाभी बोलती थी कोई नहीं नीचे उतार लेते पूरी, तो पूरी उतार के थोड़ी सी रखी और फिर बच्चे भी खा लेंगे। और देखिए मेरे होठ का कैसे हो गया, देखिए ये पता नहीं क्या हो गया मेरे होठ पे, ये देखिए। और अब शादी में जाना है तो होठ ऐसा हो गया, गंदा लगेगा वैसे में वो हो जाए जल्दी से सही हो। और हम लोग शायद 4 या 5-6 में हम लोग चले जाएंगे, मैं मम्मी भाभी बच्चे नहीं जाएंगे, बच्चे का स्कूल है तो बच्चे नहीं जाएंगे, वो यहीं रहेंगे, हम लोग ही जाएंगे सिर्फ, क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं। मैं तो बोल रही थी, मम्मी बोल रही है एक बार को कि बच्चे फिर अकेले कैसे रहेंगे। 1% मम्मी रुक भी सकती है और नहीं भी रुक सकती, कुछ नहीं पता। बच्चे स्कूल गए हुए हैं आज तो, क्योंकि उनके एग्जाम भी आ रहे हैं, टेस्ट चल रहे हैं, तो फाइनल पेपर हैं, तो इसलिए थोड़ा सा। और अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इनके स्कूल में, अटेंडेंस 80% तो होनी ही चाहिए। और अभी जागरण वगैरह में चले गए थे, वैसे तो इनकी बहुत कम हो गई, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। बट देखते हैं, कुछ हो सकता है तो करेंगे, अदरवाइज तो कुछ नहीं है। ओके, मैं जा रही हूँ। हमारे सामने ताई जी हैं, उनकी बहू के बेटा हुआ था तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इतने अभी नहीं गए थे हमारे, क्योंकि अम्मा की डेथ हो गई थी तो रामनी तक तो हम कहीं नहीं जा सकते थे, और फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग शादी में जाएंगे। तो मम्मी बोल रही थी कोई नहीं अभी होया, तो मैं जा रही हूँ उनके लिए कंबल लेके जाऊँगी, और एक जोड़ी कपड़े हैं और टोपा है, सब चीज़ लेके उनके घर जा रहे हैं। और दिखाऊँगी उनका बेबी कितना क्यूट है, छोटा सा, वो बहुत कमज़ोर है। तो चलिए चलते हैं उनके घर। देख कैसे चुईया चाहिए, अरे दिखाइए यार, फेस दिखाइए उसका, अरे भाई देखियो कैसे जरा सा है, चुईया चुईया चुई चुईया थोड़ी स्टाइल में खिंचवाता रहती हूं मैं। हां फोटो वाले बोल रहे हैं, ये फोटो खींचने कौन भर दिया नंदिनी, फोटो ही फोटो बस है नंदिनी, देख देखो फोटो तो बड़ी स्टाइल में खिंचवा ना, ओ ये कोई है ओए ले चले मेरे चले अब तो ले दे, मैं इसमें कितना अच्छा आएगा, हां पूरी तरह मोटा आई तो हुआ तो है ना, हाँ। चली गई
साफ ही नहीं आ रहा। अब आ रहा है जी, आई की तरह ना लगा। अलग आई, अलग है उनकी तरह ना। देखा टुकु टुकु क्या बात है, मैं मानू की एक दिन वीडियो में आ तो क्या करो, मैं फोन में आ रहा हूँ। मैंने ऐसी बात है लल्ला, एक बात है ना, सही कहा। मैं भी तब सुबह से फोन में आ रहा हूँ, जब काट दूंगी दे दियो। मैं तो यहाँ पे बटन फेर दूँ। विराम भूख रहा, कर जल्दी 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 जल्दी। मैंने कह रही मामा का काम कटा कर रहे फूफा, और भैया मेरे मामा से सब लेकर गए, बोली अरे अभी अंदर की लड़िया इसी बन गया तो कटा वाला ला कर ऐसी काम कर रही। राम बली बुआ, राम बली बुआ बैठी, अब बुआ तो कह रहा था मैं जल्दी नहीं कह रही, बाल को सिखा रही बाल को मामा पड़ता था कहीं होते फूफा मेरे मुंह में भर रहा हूँ। अमली को मौका गिरी सारी बोल जो तासु को देख कैसे मुस्कुरा रहे हैं। जैसी मैंने कहा ढाई लाख कह रही पनीर दो मैं खाऊंगी चाय। और उनके घर से तो हम आ गए, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वो है, वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है पता नहीं। और मम्मी बोल रही थी कि तुम दाल की खिचड़ी बना दो, क्योंकि तला ला खा के ना बहुत ज़्यादा तंग हो गए हम लोग इसलिए। और मैंने चलाया है टीवी, मास्टर शेफ इंडिया टीवी चला लिया है, देखती हूँ कुछ देखूंगी कुछ अच्छा रखा। तेरह बारह दिन से टीवी नहीं चला। और मैं खा रही हूँ अंगूर, भाई मुझे अंगूर इतने अच्छे लगते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। मैंने मंगा लिए थे और रखे हैं, ये वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मैं कोई फल नहीं खाती, ना तो सेब खा सकती हूँ ना कुछ, मुझे कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती सिर्फ इसके अलावा। ये तो मुझे कभी भी दे दो, मैं ये खाने के लिए तैयार हूँ, मज़ा आता है मुझे इन्हें खाने में। इनसे वेट भी बहुत बढ़ता है, सब कहते हैं अंगूर से बहुत ज़्यादा वेट बढ़ता है, पर मैं फिर भी खाती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैं खाती हूँ। और इन दाल खिचड़ी बना लिए, ड्यूटी इसलिए गई, 9 तारीख को मुझे घर जाना है। कोई बात नहीं, शाम को तो आती है, हाय बोली कभी चाचा आए थे मम्मी, हम तो कह रही है मैं भी क्या आया, मम्मी पापा कहाँ हैं, ड्यूटी कहाँ हैं, मैंने मम्मी पापा से बोल दिया चाचा आए और खा खा। हाँ तो ये उसी दिन शाम को निकल गया ये, और तुम्हारे भैया निकल गए, बालक तो आई जाते बालक नहीं आए, ये भी गई ना, फिर मैं रात में इसलिए नहीं आई, मुझे दावा तो दिन में हो गई होगी। हमारे तो शाम तक चलिए, घोटम घाट चल रहा, घोटम घाट साग बनानी, साग इनकी बहन लाई, मक्के का मक्के की रोटी और साग और लस्सी, अभी बनाएंगे तो पहले लस्सा लस्सी सब लाएंगे, मजा आ जाएगा। हाँ नाली में से पानी ला दे, मठा मठा।